दूसरा अध्याय। शुकदेव जी को नारद जी का सदाचार और आध्यात्मिक विषयक उपदेश। नारद जी कहते हैं, शुकदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला, शांतिकारक और कल्याणमय है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वो उत्तम बुद्धि पाकर सुखी हो जाता है। शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं, जो प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमान पर नहीं। इसलिए अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए मेरा ये उपदेश सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो सदा के लिए शोक का नाश हो जाता है। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, उसके गुणों का स्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है, उसका उसके प्रति आसक्ति का बंधन नहीं छूटता है। जहां चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, वहीं दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बात के लिए शोक करता है, उसे न तो अर्थ की प्राप्ति होती है, न धर्म की और न यश की ही प्राप्ति होती है। वो उसके अभाव का अनुभव करके केवल दुख ही उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों से संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर ही ये शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात नहीं है। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए निरंतर शोक करता है, वो एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य संसार में अपनी संतान की मृत्यु हुई देखकर भी अश्रुपात नहीं करते, वे ही धीर हैं। सभी वस्तुओं पर समीचीन भाव से दृष्टिपात या विचार करने पर किसी का भी आंसू बहाना युक्ति संगत नहीं जान पड़ता है। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने के लिए कोई यत्न ना किया जा सके अथवा किया हुआ यत्न काम ना दे सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका बार बार चिंतन ना किया जाए। चिंतन करने से वो घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा होना संभव है। दुख पड़ने पर बालक की तरह रोना उचित नहीं है। रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य है। विद्वान पुरुष को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने का कोई उपाय दिखलाई दे तो शोक छोड़कर उसे ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक होता है, किंतु सभी को मोहवश विषयों के प्रति अनुराग होता है और मृत्यु अप्रिय लगती है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है, वह अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते हैं।
धन खर्च करते समय बड़ा दुख होता है, उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है और उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसके नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची धन संपन्न स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते। वे और अधिक की आशा लिए हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। तृष्णा का भी कभी अंत नहीं होता, संतोष ही परम सुख है। अतः पंडित जन इस लोक में संतोष को ही उत्तम धन समझते हैं। आयु निरंतर बीती जा रही है, वो पल भर भी ठहरती नहीं है। जब अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसार की किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मन से परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक के पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठा ले जाती है। तथापि सबको दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधन आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, वो निश्चय ही दुखों से मुक्त हो जाता है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द स्पर्श रूप गंध और उत्तम रस आदि विषयों में किंचित सुख की प्रतीति होती है, उपभोग के पश्चात नहीं। प्राणियों के एक दूसरे से संयोग होने के पहले कोई दुख नहीं रहता, जब संयोग के पश्चात वियोग होता है तभी सबको दुख हुआ करता है। अतः अपने स्वरूप में स्थित विवेकी पुरुष को किसी के वियोग में कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो धैर्य के द्वारा शिशन और उदर की, नेत्र के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आंख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करे। जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर विनीत भाव से विचरण करता है, वही सुखी और वही विद्वान है। जो आध्यात्म विद्या में अनुरक्त, कामना शून्य तथा भोगासक्ति से दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है, वो सुखी होता है। शुकदेव, जब मनुष्य सुख को दुख और दुख को सुख समझने लगता है, उस समय बुद्धि, उत्तम नीति और पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अतः मनुष्य को स्वभावतः ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि यत्न करने वाला पुरुष कभी दुख में नहीं पड़ता। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है, अतः जरा मृत्यु और रोगों के कष्ट से उसका उद्धार करे। शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले वीर पुरुषों के छोड़े हुए तीक्ष्ण बाणों के समान शरीर को पीड़ा देते हैं। तृष्णा से व्यथित, दुखी एवं विवश होकर जीने की इच्छा रखने वाले मनुष्य का शरीर विनाश की ओर ही खींचता चला जाता है।
जैसे नदियों का प्रवाह आगे की ओर ही बढ़ता चला जाता है, पीछे की ओर नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी मनुष्यों की आयु का अपहरण करते हुए बारंबार आते और बीतते चले जाते हैं। शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का निरंतर होने वाला ये परिवर्तन मनुष्यों को जरा जीर्ण कर रहा है। ये कुछ क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता है। सूर्य प्रतिदिन अस्त होता है और फिर उदय होता है। वे स्वयं अजर होकर भी प्रतिदिन प्राणियों के सुख और दुख को जीर्ण करता रहता है। ये रात्रियां मनुष्यों के लिए कितनी ही अपूर्व तथा असंभावित प्रिय अप्रिय घटनाएं लिए आती और चली जाती हैं। यदि जीव के किए हुए कर्मों का फल पराधीन न होता तो जो जिस वस्तु की इच्छा करता वो अपनी उसी कामना को रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता। बड़े बड़े संयमी, बुद्धिमान और चतुर मनुष्य भी समस्त कर्मों से श्रांत होकर असफल होते देखे जाते हैं, किंतु दूसरे मूढ़, गुणहीन और अधम मनुष्य भी किसी का आशीर्वाद न मिलने पर भी संपूर्ण कामनाओं से संपन्न दिखाई देते हैं। कोई कोई मनुष्य तो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता है और सब लोगों को धोखा दिया करता है, तो भी वो सुख ही भोगते भोगते बूढ़ा होता है। कितने ही ऐसे हैं जो कोई काम ना करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर भी लक्ष्मी उनके पास अपने आप पहुंच जाती है, और कुछ लोग काम करके भी अपनी प्राप्य वस्तु को उपलब्ध नहीं कर पाते। इसमें स्वभावतः पुरुष का ही अपराध, प्रारब्ध दोष समझो। वीर्य अन्यत्र उत्पन्न होता है और संतानोपादन के लिए अन्यत्र जाता है। कभी तो वो योनि में पहुंचकर गर्भ धारण कराने में समर्थ होता है और कभी नहीं होता, तथा कभी कभी आम के बौर के समान वो व्यर्थ ही झर जाता है। कुछ लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं और उस पुत्र के भी संतान चाहते हैं, तथा इसकी सिद्धि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करते हैं, तो भी उनके एक अंडा भी उत्पन्न नहीं होता। बहुत से मनुष्य संतान पैदा होने से उसी तरह डरते हैं जैसे क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प से लोग भयभीत रहते हैं, तथापि उनके यहां दीर्घजीवी पुत्र उत्पन्न होता है और वो कभी किसी रोग आदि से मृतक तुल्य नहीं होता। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले दीन स्त्री पुरुषों द्वारा देवताओं की पूजा और तपस्या करके 10 मास तक गर्भ धारण किया जाता है, तथापि उनके कुलांगार पुत्र उत्पन्न होते हैं, तथा बहुत से तो ऐसे हैं जो आमोद प्रमोद में ही जन्म धारण करके पिता के संचित किए हुए अपार धन धान्य एवं विपुल भोगों के अधिकारी होते हैं। पति पत्नी की पारस्परिक इच्छा के अनुसार मैथुन के लिए जब उनका समागम होता है उस समय किसी उपद्रव के समान गर्भ योनि में प्रवेश करता है। जिसका स्थूल शरीर क्षीण हो गया है तथा जो कफ और मांसमय शरीर से घिरा हुआ है, उस देहधारी प्राणी को मृत्यु के बाद शीघ्र ही दूसरे शरीर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे एक नौका के भग्न होने पर उस पर बैठे हुए लोगों को उतारने के लिए दूसरी नाव प्रस्तुत रहती है, उसी प्रकार एक शरीर से मृत्यु को प्राप्त हुए जीव को लक्ष्य करके मृत्यु के पश्चात उसके कर्म फल भोग के लिए दूसरा नाशवान शरीर उपस्थित कर दिया जाता है। शुकदेव पुरुष स्त्री के साथ समागम करके उसके उदर में जिस अचेतन शुक्र बिंदु को स्थापित करता है वही गर्भ रूप में परिणित होता है। फिर वो गर्भ किस यत्न से यहां जीवित रहता है,
क्या तुम कभी इस पर विचार करते हो? जहां खाए हुए अन्न और जल पच जाते हैं तथा सभी तरह के भक्ष्य पदार्थ जीर्ण हो जाते हैं, उसी पेट में पड़ा हुआ गर्भ अन्न के समान क्यों नहीं पच जाता है? गर्भ में मल और मूत्र के धारण करने या त्याग में कोई स्वभाव नियत गति है, किंतु कोई स्वाधीन करता नहीं है। कुछ गर्भ माता के पेट से गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं, और कितनों की ही जन्म लेने के पश्चात मृत्यु हो जाती है। इस योनि संबंध से कोई सकुशल जीता हुआ बाहर निकल आता है, तब कोई संतान को प्राप्त होता है और पुनः परस्पर में संबंध में संलग्न हो जाता है। अनादिकाल से साथ उत्पन्न होने वाले शरीर के साथ जीवात्मा अपना संबंध स्थापित कर लेता है। इस शरीर की गर्भवास, जन्म, बाल्य, कौमार, पौगंड, यौवन, वृद्धत्व, जरा, प्राणरोध और नाश, ये 10 दशाएं होती हैं। इनमें से सातवीं और नवीं दशा को भी शरीरगत पांचों भूत ही प्राप्त होते हैं, आत्मा नहीं। आयु समाप्त होने पर, शरीर की नवीं दशा में पहुंचने पर ये 5 भूत नहीं रहते, अर्थात 10वीं दशा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे व्याध छोटे मृगों को कष्ट पहुंचाते हैं, उसी प्रकार जब नाना प्रकार के रोग मनुष्यों को मथ डालते हैं, तब उनमें उठने बैठने की भी शक्ति नहीं रह जाती, इसमें संशय नहीं है। रोगों से पीड़ित हुए मनुष्य वैद्यों को बहुत सा धन देते हैं और वैद्य रोग दूर करने की बहुत चेष्टा करते हैं, तो भी उन रोगियों की पीड़ा दूर नहीं कर पाते। बहुत सी औषधियों का संग्रह करने वाले चिकित्सा में कुशल चतुर वैद्य भी व्याधों के मारे हुए मृगों की भांति रोगों के शिकार हो जाते हैं। बड़े बड़े हाथी जैसे वृक्षों को झुका देते हैं, वैसे ही वे तरह तरह के काढ़े और नाना प्रकार के घी पीते रहते हैं, तो भी वृद्धावस्था उनकी कमर टेढ़ी कर देती है। इस पृथ्वी पर मृग, पक्षी, हिंसक पशु और दरिद्र मनुष्यों को जब रोग सताता है, तब कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं? किंतु प्रायः उन्हें रोग होता ही नहीं है। परंतु बड़े बड़े पशु जैसे छोटे पशुओं पर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं, उसी प्रकार प्रचंड तेज वाले घोर एवं दुर्धर्ष राजाओं पर भी बहुत से रोग आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार सब लोग भवसागर के प्रबल प्रवाह में सहसा पड़कर इधर उधर बहते हुए मोह और शोक में डूब रहे हैं और आर्त नाद तक नहीं कर पाते हैं। विधाता के द्वारा कर्म फल भोग में नियुक्त हुए देहधारी मनुष्य धन, राज्य और कठोर तपस्या के प्रभाव से प्रकृति का उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि प्रयत्न का फल अपने हाथ में होता तो मनुष्य न तो बूढ़े होते और न मरते ही, सबकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती और किसी को अप्रिय नहीं देखना पड़ता। सब लोग लोकों के ऊपर से ऊपर स्थान में जाना चाहते हैं और यथाशक्ति इसके लिए चेष्टा भी करते हैं, किंतु वैसा करने में समर्थ नहीं होते। प्रमाद रहित पराक्रमी शूरवीर भी ऐश्वर्य तथा मदिरा के मद से उन्मत्त रहने वाले 6 मनुष्यों की सेवा करते हैं। कितने ही लोगों के क्लेश ध्यान दिए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा कुछ दूसरों को अपने ही धन में से समय पर कुछ भी नहीं मिलता। कर्मों के फल में भी बड़ी भारी विषमता देखने में आती है। कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पालकी में बैठकर चलते हैं।
सभी मनुष्य धन और समृद्धि चाहते हैं, परंतु उनमें से थोड़े से ही ऐसे लोग होते हैं जो रथ पर चढ़कर चलते हैं। कितने ही पुरुष स्त्री रहित हैं और सैकड़ों मनुष्य कई स्त्रियों वाले हैं। सभी प्राणी सुख दुख आदि द्वंद्वों में रम रहे हैं। मनुष्य उनमें से एक एक का अनुभव करते हैं, अर्थात किसी को सुख का अनुभव होता है, किसी को दुख का। ये जो ब्रह्म नामक वस्तु है, इसे सबसे भिन्न एवं विलक्षण समझो। इसके विषय में तुम्हें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। धर्म और अधर्म को छोड़ो, सत्य और असत्य दोनों का त्याग करो। सत्य और असत्य दोनों का त्याग करके जिससे त्याग करते हो, उस अहंकार को भी त्याग दो। मुनि श्रेष्ठ, ये मैंने तुम्हें परम गूढ़ बातें बतलाई हैं, जिससे देवता लोग मृत्यु लोक छोड़कर स्वर्ग लोक को चले गए।